गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एडसॉर्प्शन प्रोसेस. इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन एंड इन दिस हेडिंग वी विल डिस्कस अबाउट the various factors which affect the rate of adsorption. And in this case, the first important factor is that is the nature of the adsorbate and the nature of adsorbent. Second factor was the concentration of the adsorbate, जिसके बेस पर आपने adsorption को दो category में divide किया था. One was the positive adsorption and the second was the negative adsorption. So in the same heading, today we will discuss the two important factors which affect the adsorption. That is the temperature and the second one is pressure. So how temperature affect the rate of adsorption and how pressure affect the rate of adsorption. So for this purpose, हमें करना क्या होगा. सबसे पहले हम जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रोंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एक है आपके लैंगमोर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अब लैंगमोर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रोंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. क्लियर. एंड इन दिस आइसोथर्म, नाम से ही क्या लगता है आपको, आइसोथर्म इसका मतलब थ्रू आउट द सिस्टम द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जब हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करके प्रेशर के इम्पैक्ट को एडसॉर्प्शन के रेफरेंस में स्टडी करते हैं, तो उस फैक्टर को हम फ्रोंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के फॉर्म में स्टडी करेंगे. जब भी आइसोथर्म आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, द टेम्परेचर मस्ट बी लो. तो एट लो एडसॉर्प्शन, एट द लो टेम्परेचर, द फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीज वेरी रैपिडली. ठीक है, ऐसा ही प्रेशर के केस में भी होता है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं जर्नली एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूँ, तो उस एड्सॉर्प्शन को बताने के लिए सबसे पहले मुझे दो फैक्टर बताने होंगे आपको. जैसे यहाँ पर x अपॉन m लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो x अपॉन m कंटेंट आप लिख रहे हो, एंड दिस x का जो मतलब है, एंड दिस इज द क्वान्टिटी ऑफ द एड्सॉर्बेट जो किसी भी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आके स्टिक करती है. जो एम है आपका, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट. तो याद रखिएगा, एक्स इज द क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट और एम इज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो एक्स अपॉन एम इज द एक्सटेंड ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हम एक्स अपॉन एम से इंडिकेट करेंगे. मेरी बात समझिएगा मैंने क्या बताया. अगर मैं फ्रोंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करता हूँ और मैं किसी भी एडसॉर्बेंट को पाउडर के फॉर्म में ले रहा हूँ, तो पाउडर्ड फॉर्म में जो एडसॉर्बेंट की क्वांटिटी है मैं उसको एम मानूंगा, और जो गैस की कंसंट्रेशन, जो गैस का अमाउंट आपके इस पाउडर्ड एडसॉर्बेंट के ऊपर आके स्टिक करेगा, उसको मैं एक्स के फॉर्म में इंडिकेट करूँगा. तो दिस एक्स अपॉन एम टेल अस अबाउट द एक्सटेंड ऑफ एड्सॉर्प्शन जो यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑब्टेंड होगा. अब हमें करना क्या है, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो क्या मतलब है, हमें ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किसमें, दैट इज गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट एक्स अपॉन एम एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मैं सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हुए एक्स अपॉन एम वर्सेस प्रेशर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, और जो ग्राफ हमारा निकल के आएगा उसको आप क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. एंड व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ दिस ग्राफ. जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ का कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. तो इफ इन दिस होल सिस्टम, अगर आप ग्राफ को नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ,
द एक्सटेंड ऑफ द एक्स अपॉन एम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्स अपॉन एम वर्सेस पी के जो बीच का ग्राफ नोटिस कर रहे हो वो लगभग स्ट्रेट लाइन है, जिसको मैं डॉटेड फॉर्म में इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये कर्व आपको हल्का सा ऑप्टिमल शुरू, क्योंकि अब हो क्या रहा है, जो सरफेस एरिया आपके एडजॉर्बेंट का अवेलेबल है, उस सरफेस एरिया के जब अबंडेंट सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो गैस एक्सट्रीम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होगी, और जो एक्स अपॉन एम है मतलब एड्सॉर्प्शन बहुत फास्टर होगा। जैसे जैसे एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया कम होना शुरू होगा, ऐसी कंडीशन में एक्स अपॉन एम भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एड्सॉर्प्शन इज गोइंग फॉर द कंप्लीशन। तो इस पूरे स्लोप को आप जिस फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हो उसे आप क्या बोलते हो, एंड दिस बेसिकली दैट इज द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इस पूरे फिनोमिना में जो x अपॉन m आपका इंडिकेट हो रहा है, और दिस x अपॉन m विल टेल अस दिस वन। सो ओवरऑल व्हाट यू विल कंक्लूड दैट जब p की वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, जब p बढ़ेगा तो x अपॉन m बढ़ेगा, इसका मतलब x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हम क्या कंक्लूड करेंगे कि दिस x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और जब इस कांस्टेंट को, इसको कांस्टेंट के साथ लेके आएंगे तो ये x अपॉन m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p की पावर 1। तो इनिशियली x अपॉन m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p 1, तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं तो दिस x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, और दिस x अपॉन m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p नॉट, ठीक है। अगर मैं ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में जो ये निकल के आया एक्सप्रेशन वो x अपॉन m इज इक्वल टू kp, और इन बिटवीन कहीं भी इनिशियल के बाद कहीं भी जो x अपॉन m होगा इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 अपॉन m, जहाँ पर n एक इंटीजर है और ये इंटीजर इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच की कोई भी वैल्यू को इंडिकेट करेगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो याद रखिएगा दिस फ्रंगलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइसोथर्म बाय विच यू कैन कॉन्क्लूड द रिलेशन x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p की पावर 1 अपॉन m। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे फ्रंगलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की वैल्यू को हम लॉग के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड लॉग लेता हूँ तो क्या निकल के आएगा, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n log p। तो log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फ्रंगलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। अब इसकी क्या लिमिटेशन भी है, देखिए वैसे तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इस पूरे फ्रंगलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का जो बेसिक लिमिटेशन है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू व्हेन प्लॉटेड हाउएवर शो सम डेविएशन फ्रॉम द लिनियरिटी। जैसे कि ग्राफ में हमें इंडिकेट हो रहा था जो x अपॉन m वर्सेस p का ग्राफ था वो समवॉट स्ट्रेट लाइन था, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, इसका मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट हैविंग गुड होल्ड टू एक्सप्लेन द एडसॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है। तो ये बेसिक सा फिनोमेना है। अगर मैं यही चीज सॉल्यूशन के रेफरेंस में लेता हूँ, मतलब अभी तक जो पिछले एक्सप्रेशन में जो हमने बात की थी वहाँ पर p आया था p की पावर 1 अपॉन m, अगर एडसॉर्ब होने वाला कंटेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है तो इन प्लेस ऑफ द प्रेशर वी हैव टू यूज द टर्म कंसंट्रेशन c। So we can say the extent of the adsorption x upon m is equal to k into c ki power 1 upon n. x upon m is equal to k into c ki power 1 upon m is the expression whenever we will talk about the liquid adsorbent which is adsorbed on the surface of adsorbent. ठीक है, इसका भी log में ले लेंगे value, तो log के form में क्या आएगा, log x upon m is equal to log k plus 1 upon n log c, and this is the expression of the
Zondlich adsorption, isotherm, whenever the adsorbent is present in a form of the liquid form. ठीक है, अब हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं, एंड दिस टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार. इन अ प्रीवियस कंटेंट जो मैंने डिस्कस किया है अभी तक, वो था आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अब हम लेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एंड इन दिस सेगमेंट, इन केस ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन आइसोबार, द इन द होल प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हम प्रेशर को कांस्टेंट करके ग्राफ प्लॉट करेंगे. व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड, अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट एक्स अपॉन एम वर्सेस टेम्परेचर. व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, द होल ग्राफ ऑब्टेंड नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार. तो जिस टॉपिक को मैंने आपको अभी बताया वो था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. अब हम जिस टॉपिक पे आ रहे हैं उसका नाम है एड्सॉर्प्शन आइसोबार. ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इन माय प्रीवियस केस जो फ्रंडलिश की मैंने आपसे बात की थी, उस सिस्टम के अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, वाइल इन केस ऑफ द एड्सॉर्प्शन आइसोबार हम एक्स अपॉन एम वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे और पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे. तो याद रखिएगा, जो एक्स अपॉन एम वर्सेज पी का ग्राफ निकल के आता है वो इस फॉर्म में आता है. द फर्स्ट ग्राफ जो निकल के आएगा, एंड दिस इज फॉर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, वाइल द सेकेंड ग्राफ इज फॉर द केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो पहला वाला ग्राफ किसके लिए है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, और सेकेंड ग्राफ किसके लिए है? दैट इज फॉर द केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो क्या डिफरेंस है? व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्स अपॉन एम वर्सेस पी, तो स्टार्टिंग में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे द वैल्यू ऑफ द एक्स अपॉन एम बिकम्स हाइएस्ट. इसका मतलब शुरुआत में लिटिल बिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो बहुत फास्टर रेट से होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा एंड ये स्लोप लगातार डाउन आ रहा है, इसका मतलब एक्स अपॉन एम की वैल्यू लगातार घटेगी. तो वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, तो एक्स अपॉन एम वर्सेस टी के लिए हमारा ग्राफ का पैटर्न इस तरीके से होता है. शुरुआत में एडजॉर्प्शन बहुत फास्टर होगा और लेटर ऑन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और जो ये स्लोप है, ये स्लोप हमें इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये स्लोप लगातार डाउनवर्ड जा रहा है. वाइल इन केस ऑफ द केमिकल एड्सॉर्प्शन, शुरुआत में रेट बढ़ेगी और बढ़ने के साथ वो घटना शुरू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में लगभग केमिकल बॉन्ड जैसे प्रॉपर्टी सेटअप होती हैं, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केमिकल बॉन्ड जैसा होगा. दैट्स वाई ये रेट स्टार्टिंग में फास्ट होगी और लेटर ऑन घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बचेगा ही नहीं, और जब सरफेस एरिया नहीं बचेगा तो ये स्लोप नीचे की तरफ आएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंड दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार. सो यू हैव टू फाइंड, ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एज वेल एज द एड्सॉर्प्शन आइसोबार. नाउ अब हम जो प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्सॉर्प्शन आइसोबार, दैट इज द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द एड्सॉर्प्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किए गए. सबसे पहला एप्लीकेशन है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम. ठीक है, तो बेसिकली फॉर द वैक्यूम क्रिएशंस के लिए जो आपका एड्सॉर्प्शन है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो याद रखिए कैसे बताएंगे, इन द डिवा फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज प्लेस्ड बिटवीन द वॉल ऑफ द फ्लास्क सो दैट एनी गैस विच एंटर इनटू द एनुअल स्पेस आइदर ड्यू टू ग्लास इम्परफेक्शन और डिफ्यूजन थ्रो गैस इज एब्जॉर्ब. तो याद रखिएगा जो हमारे प्रिजर्विंग वैक्यूम्स होते हैं, तो उन वैक्यूम्स के अंदर कोई भी गैस अगर बाई चांस एंटर भी कर जाए तो वॉल के अंदर प्रेजेंट जो चारकोल होता है वो उस गैस को अपने ऊपर स्टिक कर लेगा, और जो आपके उस प्रिजर्विंग ग्लास के अंदर वाला कंटेंट है उसकी सेफ्टी हो जाती है. दूसरा इन द गैस मास्क, तो नाउ इन दिस जितने भी गैस मास्क होते हैं, जो चाहे वो फायर फाइटर्स हों
तो उसके अंदर भी बेसिकली हम किसी ना किसी एडसॉर्प्शन के फिनोमिना को यूज़ करते हैं। तो कोई भी एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो उन गैस मास के अंदर प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा वाला एप्लीकेशन जो आता है आपका, दिस इज द क्लेरिफिकेशन ऑफ द शुगर। तो शुगर को क्लीन करने के लिए, याद रखिएगा जब शुगर बनाई जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए भी हम बेसिकली एडसॉर्प्शन का फिनोमिना यूज़ करते हैं। तो बोन चारकोल्स जो होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द बोन चारकोल हम शुगर को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं और जो उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं एंड ऑल द इम्प्योरिटीज़ गेट एब्जॉर्ब्ड इन दिस एक्टिवेटेड बोन चारकोल जो चीनी को साफ करने के काम आता है। इन द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, तो याद रखिएगा एडसॉर्प्शन इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आपको मालूम है इन केस ऑफ द क्रोमेटोग्राफी दो फेज होती हैं, एक होती है स्टेशनरी फेज, एक होती है मोबाइल फेज। तो याद रखिएगा स्टेशनरी फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडसॉर्प्शन ऑफ द मोबाइल फेज। तो दिस टेक्निक इज अगेन बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ एडसॉर्प्शन। दिस ईयर यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट भी आपको ये प्रॉपर्टी करके चलना है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये टॉपिक अभी डिटेल में हमें आगे भी पढ़ना है चैप्टर के अंदर। तो इन केस ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जब कोई भी गैसियस कंपोनेंट या कोई भी लिक्विड कंपोनेंट सॉलिड कैटालिस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो सबसे पहले उस कंटेंट को एड्सॉर्ब होना होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। तो किसी भी कैटालिस्ट या एंजाइम के ऊपर जो आपके गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो वो भी एड्सॉर्प्शन का ही एक बेसिक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट वन इज इन एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर, वेरियस डाइज विच हैव देयर ओन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिकेटर पर्टिकुलरली इन द टाइट्रेशन प्रैक्टिकल्स। तो KBR इज ईजिली टाइट्रेटेड अगेंस्ट द AgNO3 एंड बाय यूजिंग द ईओसिन। तो ये इंडिकेटर के फॉर्म है, तो ये भी आपका एक बेसिक एप्लीकेशन है। सो वी कैन से टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में जो इंडिकेटर्स हैं वो भी एक एडसॉर्प्शन की टेक्निक को इंडिकेट करता है। इन द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर, तो जो हार्ड वाटर में जितने भी आपके RO लगे होते हैं तो उसके अंदर जो आयन एक्सचेंजर होता है तो उसके अंदर भी आपने पढ़ा है क्लास 11 में परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट मेथड, आयन एक्सचेंजर, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर मेथड, उन सभी मेथड के अंदर भी आयन्स को हम एड्सॉर्ब कर लेते हैं इनसाइड द बेसिकली रेजिन्स के अंदर। इन द रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट, तो याद रखिएगा मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इस डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट से वहाँ पर भी हम इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा बहुत सारे कंटेंट, सिलिका जेल इज़ मोस्टली यूज फॉर दिस पर्पस, जो मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर देता है हमारे बहुत से डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट से। इन द सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस, डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर में से, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल या कोकोनट चारकोल के थ्रू हम अलग अलग गैसेस को डिफरेंट रेट के थ्रू एड्सॉर्ब करके अलग कर लेते हैं। आपको मालूम है हर गैस का अपना रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम गैस को एड्सॉर्ब करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। इन द टेक्निक ऑफ द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, व्हेन सल्फाइड ओर इज शेकन विद द पाइन ऑयल इन वाटर द पार्टिकल्स एड्सॉर्ब ऑन द फ्रॉथ सो दे इजिली फ्लोट ऑन द सरफेस। ये टेक्निक भी, ये भी आपको 5th यूनिट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, 6th यूनिट के अंदर, जहाँ पर आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ना पड़ेगा। द फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक के अंदर भी आपका ये टेक्निक पर्टिकुलरली यूज की जाती है। इन द पेंट इंडस्ट्रीज, इन द डाइज इंडस्ट्रीज, इन द वाटर कंजर्वेशन एंड वेरियस डिजीज को क्योर करने में, जर्म्स को एब्जॉर्ब करने के पर्पस के लिए भी हम एडसॉर्प्शंस को यूज करते हैं। अब मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ, दैट टॉपिक इज कैटालिसिस। हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म कैटालिस्ट, द केमिकल सब्सटेंस और एनी केमिकल विच कैन एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट नोन एज कैटालिस्ट। क्या होते हैं कैटालिस्ट? जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट अफेक्टिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। तो हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, दोज आयन, वो सब कंटेंट्स होते हैं जो बेसिकली आपके यूज़ किए जाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। एग्जांपल के फॉर्म में अगर कोई भी कैटलिस्ट है आपका, तो मोस्टली केसेस के अंदर वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज़ ही करेगा, लेकिन याद रखिएगा हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस को डाउन भी कर देते हैं, और जब वो रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करेंगे तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर दो तरह के कैटलिस्ट प्रोसेस कहलाएंगे। अगर इंक्रीज करते हैं उसको आप उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस, अगर वो डिक्रीज करता है तो उसको आप बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। तो देर आर टू टाइप ऑफ द कैटलिस्ट आर देयर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस। ठीक है, अब हमें इन्हीं कैटालिसिस टेक्निक को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक है होमोजीनियस कैटलिस्ट, जहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एज वेल एज कैटालिस्ट की नेचर एक जैसी होती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जो आप ऑक्सीडाइज्ड करोगे और SO3 में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर NO गैस को लिया, तो सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज वेल एज कैटलिस्ट की स्टेट ऑफ मैटर सेम है इन अ गैसियस स्टेट। तो व्हेनेवर इन होल प्रोसेस ड्यूरिंग कैटलिस्ट कैटालिसिस अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस कैटा। ऑन द अदर हैंड ये एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज गॉन थ्रू बाई दीज एग्जाम्पल्स, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स क्वेश्चन, आपको करने चाहिए। इन अ सेम वे अगर मैं बात करता हूँ हेटरोजीनियस कैटालिसिस की, तो इन केस ऑफ दिस हेटरोजीनियस कैटालिसिस यहाँ पर आपको नाम से साफ पता लग रहा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। तो किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अगर स्टेट्स ऑफ मैटर अलग अलग है तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, इन केस ऑफ द हेटरोजीनियस कैटालिसिस। एग्जांपल ले लीजिएगा, N2 प्लस H2 कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया Fe लिया गया, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, एंड N2 और H2 आपके गैसेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो दीज आर द सम अदर एग्जांपल, प्लीज गो थ्रू बाय दीज वन, एंड दीज एग्जांपल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेटरोजीनियस कैटालिसिस। सो यू हैव टू रिमेंबर कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी तक इम्पॉर्टेंट बताए, उसमें आपका फ्रुंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म वी हैव डन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सेकंड वन होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस कैटालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा मे बी पॉसिबल वन मार्क्स क्वेश्चंस आपसे कहीं से पुट अप कर सकता है आपका, जब हम बात करेंगे दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द एडसॉर्प्शन। इज इट क्लियर? तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका सिंपल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, एंड इसमें न्यूमेरिकल कंटेंट आपका नहीं आना है। तो प्लीज़ प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर द बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।